हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक शेप को जब दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि किसी भी एक 3D शेप को दूसरे 3D शेप में कन्वर्ट जब कर रहे हैं तो दोनों शेप्स का जो वॉल्यूम है, चाहे वो इनिशियल वॉल्यूम हो चाहे वो फाइनल वॉल्यूम हो, वो सेम रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 है, उसको मेल्ट किया गया है और एक नए शेप में कन्वर्ट किया गया है और वो नया शेप है सिलेंड्रिकल शेप। इनिशियल रेडियस 4.2 थी, जो सिलेंडर बनाया उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो अपन को ये बताना है कि ये जो नया सिलेंडर बना इसकी हाइट क्या होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियली स्फीयर वाला शेप था और उसका वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अपन इसे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया इनिशियल वॉल्यूम। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज द शेप इज सिलेंड्रिकल शेप। तो यहां लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 6 स्क्वायर बनेगा और एच हमें फाइंड आउट करना है। तो पाई से पाई कटेगा, तो जो एच निकालना है वो ये होगा। एच की वैल्यू होगी 4 × 4.2 का होल क्यूब अपॉन 3 × 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो ही ठीक माना जाएगा, ठीक है, यही फाइनल हाइट का आंसर हो जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, इनिशियल वॉल्यूम should be equal to final volume। Initial volume sphere का formula लगा दिया 4/3 pi r cube और final volume में इसका cylinder का formula लगा दिया pi r square h। इसमें और सब कुछ known था, केवल ये जो height है वो unknown थी, तो हमने equation की help से calculate कर लिया। अब देखते हैं next question। इसमें कह रखा है कि तीन अलग अलग sphere हैं, एक की radius 6 cm, एक की radius 8 cm और एक की radius 10 cm है। इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, लेकिन इनको पहले मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद जो मटेरियल मिलता है उसको वापस फ्रीज किया जाता है, तो इस तरह का एक बड़ा स्फीयर बनता है। तो इसकी आपको रेडियस बतानी है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर प्लस दिस स्फीयर प्लस दिस स्फीयर, और फाइनल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। सपोज इसकी रेडियस आर है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप यू कहेंगे कि 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इनिशियल टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। 4/3 पाई से 4/3 पाई कॉमन आकर कट जाएगा, तो आपको जो आर क्यूब मिलेगा वो मिलेगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इन सभी में 2 क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125। 125, 64 और 27 को आप अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 216। 216 होता है 6 का क्यूब, यानी कि ये हो गया 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब, ये आ गई हमारी रेडियस का क्यूब। तो जब रेडियस निकालेंगे तो दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे, तो इधर तो आ जाएगा ओनली आर और इधर आ जाएगा 2 × 6। तो फाइनल आंसर जो रेडियस का आएगा वो आएगा 12। तो फाइनल रेडियस विल बी 12। तो अगर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के स्फीयर को, रेडियस वाले स्फीयर को मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया जाए तो उसकी रेडियस 12 होगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि केवल ऐड कर देते हैं 6 + 8 + 10, तो उससे आंसर 24 आ जाएगा, जबकि आंसर आना क्या चाहिए 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेल डिग किया गया है, उसमें से मिट्टी निकाली गई है, अर्थ निकाली गई है, यानी कुआं, कुएं में से मिट्टी निकाली खोद खोद के, तो डिग करके उसमें से बहुत सारी अर्थ निकाली गई और उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
कितना डीप किया गया है, 20 मीटर डीप, और उसकी जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। वो टोटल उसको एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर है और जो विड्थ है वो 4 मीटर है। तो बताना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो कितनी हाइट का बन जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इससे जितना वॉल्यूम निकला है उतना वॉल्यूम यहाँ आएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियली तो सिलेंड्रिकल शेप है और फाइनली जो बन रहा है वो क्यूबॉइड है। तीन साइड है, हाइट, लेंथ और विड्थ। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, करेक्ट। तो इसके लिए अपन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर तो होगा 7 स्क्वायर बाई 2, तो 49 बाई 4। 7 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर 7 है, रेडियस तो 7 बाई 2 आएगी, इंटू एच। ये तो क्या इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, तो 22 इंटू 4 इंटू एच। ये एच हमें कैलकुलेट करना है, तो क्योंकि यहाँ 22 लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पाई की जगह 22/7 लिखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। 22 से 22 कट करते हैं, 7 से 49 कट करते हैं 7 टाइम्स, तो फाइनल जो एच बचेगा वो 4 नीचे आ जाएगा इसमें, और एच आ जाएगा 7 × 20 यानी कि 140 डिवाइडेड बाय 4 × 4 16 यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 8 ठीक है, या 35 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 4 मीटर ये आंसर आ जाएगा। तो 4 × 32.75 ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फिर से वही कुआं खोदना, वेल को डिग करने वाली चीज ही कही गई है। 14 मीटर डीप वेल डिग किया गया है जिसका डायमीटर 3 मीटर है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उससे सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया था जो कि क्यूबॉइड शेप का था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब हम इसी के चारों ओर एक एम्बार्कमेंट बना रहे हैं, है ना। और एम्बार्कमेंट ऐसा है सिलेंड्रिकल शेप का, करते जाए ऊपर होलो सिलेंडर आ गया अंदर से और बाहर से सॉलिड सिलेंडर आ गया। तो इस वेल के अराउंड अपन बना रहे हैं, इसकी हाइट ऊपर जाती जाएगी और इसकी चारों तरफ कुछ विड्थ आएगी। ये जो विड्थ आ रही है वो 4 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमें ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। जैसे इस वाली चीज को मैंने इधर बना दिया, तो ये जो ये खाली वाला पोर्शन है वो तो ये है 3 डायमीटर वाला, और इसके चारों तरफ जहां पे मिट्टी भरी हुई है वो 4 मीटर विड्थ का है। तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो ये बाहर बाहर का वॉल्यूम आएगा। आप ध्यान से देखिए ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, ये अंदर तो खाली रहेगा और बाहर बाहर वाला वॉल्यूम आएगा। तो इधर से जितनी मिट्टी निकली वो इस वॉल्यूम को बनाने में काम आई, जितनी अर्थ यहां से टेकन आउट की गई वो यहां इसको फॉर्मेशन में काम ले ली गई। तो आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी बनी। तो सिंपल सा फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम तो कहां से मिला हमें, मिट्टी यहां से खोदने से। तो ये तो सिलेंड्रिकल शेप की मिट्टी थी तो वो पाई आर स्क्वायर एच से आ जाएगा। यहां लिख देते हैं अपन पाई आर स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, उसको 9/4 लिखें और एच की जगह 14 लिखें। ये तो क्या हमारा इनिशियल वॉल्यूम जो हमें अर्थ का मिला। अब इससे हम एम्बार्कमेंट कितनी हाइट का बनाए वो देख रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आएगा आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस ये वाला इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आउटर सिलेंडर की रेडियस देख लें तो ये देखो 3 डायमीटर था और 4 विड्थ थी, इधर भी 4 विड्थ थी, तो 4, 3, 7 और 4, 11 टोटल डायमीटर हो गया। तो आउटर सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या होगी, 11/2 ठीक है। तो पाई 11/2 का स्क्वायर, दैट इज 121/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो हमें निकालना है, ठीक है, माइनस पाई अंदर वाला सिलेंडर आर स्क्वायर, तो इसकी 3/2 आएगी, उसका स्क्वायर 9/4 इंटू एच।
तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बाहर वाले पाई आर स्क्वायर एच में से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे तो नेट वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो ये पाई तो कट हो जाएगा, इन दोनों में 121h अपॉन 4 में से 9h अपॉन 4 अगर हम कम करें तो 112h अपॉन 4 बनेगा, 112h अपॉन 4, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 2 8, फिर 3 गया आगे तो 4 8 32, यानी कि 28h बनेगा। 28h को आप 14 से कट करेंगे तो वो 2h रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो यहां 8 बन जाएगा, यानी कि 9/8 है यार, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो बाकी आई थिंक यही आना चाहिए 9/8 मीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ऐसे कहा गया है कि एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम बनी हुई है, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो सिलेंड्रिकल शेप का एक वेसल है इसमें फुल आइसक्रीम भरी हुई है, इससे हमें कोन फिल अप करने हैं। तो पूछा गया कि कितने आइसक्रीम कोन बनाए जा सकते हैं, इसकी टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है और ऊपर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस वही होगी जो इसकी रेडियस है कोन की, इसी के ऊपर लगाया गया है तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस 3 हो गई, तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन की हाइट 3 है, तो बचे हुए कोन की जो हाइट आएगी वो 9 आएगी। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कोन्स बनाने के लिए एक कोन का वॉल्यूम निकालना है और उसको इसके टोटल वॉल्यूम में डिवाइड कर देना है, तो n आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वो ये लगेगा, इनिशियल टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल टोटल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच और फाइनल वॉल्यूम आएगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो अपन डायरेक्टली एन निकालते हैं, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम सिलेंडर का आएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसकी देखो डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर 6 स्क्वायर, उसको मैं 36 लिख देता हूं, इंटू एच, एच की जगह अपन 15 लिखते हैं, हाइट 15 दी हुई है, अपॉन इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक कोन का वॉल्यूम और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह तो पाई आएगा आर स्क्वायर, इसकी डायमीटर 6 गिवन है तो रेडियस 3 हो जाएगी, तो इसका आर का स्क्वायर होगा 9 इंटू हाइट भी 9, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया हमारा कोन वाले पोर्शन का वॉल्यूम, इसमें इतनी आइसक्रीम भरेगी कोन कोन वाले में, फिर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है ऊपर तो वहां भी आइसक्रीम जाएगी, कितनी आइसक्रीम जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फेयर का उसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब, अपन यहां लगाते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह 3 है, 3 पुट कर देते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पाई कॉमन लेकर कट कर दिया जाए, एक इस 3 से 9 कट कर दिया जाए, 3 से 9 3 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन 9 कॉमन ले लें इसमें इसमें, तो 9 से ऊपर कट भी जाएगा तो ये 4 टाइम्स कटेगा, तो ऊपर बन गया 15 4 16, और नीचे क्या बनेगा, 9 कट हो गया इधर बन गया 3 और उधर बन गया 2, तो 16/3 + 2 = 60 / 5, तो 12 कौन से ऐसे आ जाएंगे जो आइसक्रीम के फुल हो सकते हैं, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर हाइट का आइसक्रीम दिया हुआ, आइसक्रीम कौन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर इसको 12 सेंटीमीटर हाइट माना जाए, इसको 12 सेंटीमीटर हाइट माना जाए और इसको 3 अलग से माना जाए, तो फिर इसमें ज्यादा आइसक्रीम आएगी तो नंबर ऑफ कोन्स भी थोड़े और कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने सिल्वर कॉइन मेल्ट करने पड़ेंगे कि ऐसा क्यूबॉइड बन जाए, सिल्वर कॉइन की जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट 2 mm दी गई है, थिकनेस 2 mm दी गई है, और आपको एक क्यूबॉइड शेप का मान लो एक बिस्किट बनाना है, सिल्वर का बिस्किट, उसके लिए सिल्वर के कॉइन्स को मेल्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सिल्वर के कॉइन्स को, तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स आपको बताने हैं,
तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि n इंटू सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो l आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर अपॉन इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पाई आ जाएगा, रेडियस 1.75 का हाफ, तो 1.75 पाई 2 का स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर, और एच हाइट 2 mm, तो mm को आप सेंटीमीटर में लिखें तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ बाकी सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर होगा वो सही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने अपने पहले 6 क्वेश्चंस कर लिए, 7th, 8th और 9th क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देखने हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। 6th क्वेश्चन कोनिकल शेप का जो सेंट ड्यून बन रहा है उसके बारे में है, और 8th और 9th क्वेश्चन कुछ केनल के बारे में है। केनल वाले में आपको ये देखना है कि एक क्यूबॉइड से दूसरा क्यूबॉइड कन्वर्ट हो रहा है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, आप उनको ट्राई करें, कहीं कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए बाय।